आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद। म्यूजिक बाय मिस्टर मान सिंह, जेएमडी स्टूडियो अजमेर, सिंगर राहुल वैष्णव मोहम्मी अजमेर। गुस्से में कह रही हो किसान जाओ हमने किया ऐलान, गुस्से में कह रही हो किसान जाओ हमने किया ऐलान, जाओ हमने किया ऐलान। उनकी ही सरकार बनेगी जो समझे अपने हालात, उनकी ही सरकार बनेगी जो समझे अपने हालात, जो समझे अपने हालात। भस्ता मिलेगा हर परिवार, उम्मीदों की है ये सरकार, भस्ता मिलेगा हर परिवार, उम्मीदों की है ये सरकार, उम्मीदों की है ये सरकार। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। देखा सब कुछ करके कोई नहीं कांग्रेस से बढ़ के, दफ्तरों में खाए धक्के, जगह जगह पे टूटी सड़कें, टूटी सड़कें। तब महिला इंसाफ को तरसे, देश के व्यापारी सारे बन के बेरोजगार भटके, अब अपना राज आएगा, बच्चा बच्चा गाएगा, कांग्रेस 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 कांग्रेस। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी, जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद। सबको लेकर साथ चले, सबकी ले जो जिम्मेदारी, सबको लेकर साथ चले, सबकी ले जो जिम्मेदारी, सबकी ले जो जिम्मेदारी। सबने लेकर साथ चले ऐसी हो सरकार हमारी, सबने लेकर साथ चले जो ऐसी हो सरकार हमारी, जो ऐसी हो सरकार हमारी। कांग्रेस के आ जाने से लौट आएगी खुशियां हमारी, कांग्रेस के आ जाने से लौट आएगी खुशियां हमारी, लौट आएगी खुशियां हमारी। जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी, चलेगी अब सरकार हमारी। कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, कांग्रेस की बात अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है, अपना तो अब ठाट अलग है। दूजे का थामो हाथ, चलो चले कांग्रेस के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलेंगे बन के भाई भाई, चलेंगे बन के भाई भाई। मुकेश मेरी मेहता बाई ने भी एक लहर चलाई, मुकेश मेरी मेहता बाई ने भी एक लहर चलाई। और इसी आगरा रोड से लगकर एक गुलाब पार्क का एक मेन रोड है, आगरा रोड से लगकर गुलाब पार्क की एंट्री का जो रोड है,
वो 25 लाख की लागत से वो रोड का इफ्तिता आज अमल में आया, वो रोड का काम भी शुरू कर दिया गया। शहर भर के अंदर मतलब इस तरीके की बातें चलती रहती है कि कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है, बावजूद उसके काम मतलब जो है तो इफ्तिते होते रहते हैं, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको आपके इस सवाल का जवाब ये देना चाहूँगी कि अगर मालेगांव शहर में कहीं काम दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इक्तदार का काम दिखाई दे रहा है। और पास तो मालेगांव शहर में आपका के पास तो MLA है, आपके पास तो करोड़ों की का MLA फंड मौजूद है। अगर आप लोगों को आवाम से इतनी ही मोहब्बत है तो भाई MLA फंड का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने कारपोरेटर फंड का इस्तेमाल कीजिए और आवाम को राहत पहुंचाने का काम कीजिए। उसको कहेंगे हम आवाम की खिदमत करना, आवाम के काम करना। आप लोग आज देख लीजिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में कॉरपोरेशन पर भी इक्तदार पर आती है तो मालेगांव शहर में चारों तरफ विकास नज़र आता है और काम नज़र आता है। अब जो अपोजिशन के लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, काम करना जानते ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है कोई किसी चीज़ पे, तो बस वो इस तरह की बातें करेंगे। ये अफवाहें हैं, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे मालेगांव शहर की आवाम समझदार और सुलझी हुई आवाम है। आवाम अपनी खुली आंखों से देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन जो है, कौन पार्टी सिर्फ और सिर्फ बातें बना रही है और सिर्फ वावेला बनाकर लोगों की नज़रों का मरकज बनने के लिए ये लोग इस तरीके का जो भी है बयानबाजियां कर रहे हैं और कहीं भी क्या तो बोले धरना आंदोलन कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आवाम ने हमको बड़े पूरे भरोसे के साथ चुन कर दिया है, चाहे वो महानगर पालिका में हो चाहे शहरी सतह पर MLA मुंतखब किया हो, तो उनका काम है, हमारा काम है कि उनके कामों को, उनकी तकलीफों को दूर करना, ये हमारा अव्वलीन फर्ज है।